ये बहुत ही अंडररेटेड क्वेश्चन है जिसका कि बहुत से जेजे के फैंस आंसर भी नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम सच में जुजुत्सु काइसन की केयर करते हो, बिकॉज बहुत से लोगों ने जुजुत्सु काइसन एनिमे देख रखा है लेकिन उन्हें टोडो के बारे में ही नहीं पता। तो टोडो के हाथ के पीछे की कहानी तो कोई नहीं जानना चाहेगा, लेकिन अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो कि क्या टोडो का हाथ वापस आने वाला है या फिर नहीं, बिकॉज शिबुया आर्क में हमने टोडो वर्सेस माइतो की फाइट में देखा था कि माइतो ने टोडो के हाथ को कट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, लेकिन ये इतना भी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट नहीं था, बिकॉज जुजुत्सु काइसन में रिवर्सल कर्स टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिससे कि किसी भी पर्सन को हील किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि टोडो के हाथ को भी हील किया जा सकता है, बिकॉज ये भी एक नॉर्मल इंजरीज है। जहाँ पे गोजो अपने पूरे खोए हुए सर को वापस ला सकता है, तो टोडो के हाथ को हील करना कौन सी बड़ी बात होगी। और अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो तुम यहीं पे गलत हो, बिकॉज माइतो की कर्स टेक्निक बहुत ही अंडररेटेड है। बिकॉज माइतो ने टोडो के हाथ को ही कट नहीं किया, उसने टोडो की सोल तक को कट कर दिया, यानी कि अब उसकी सोल यही मान रही है कि टोडो का हाथ कभी था ही नहीं। और अगर मैं तुम्हें इसे सिंपली समझाऊं तो इसका मतलब है कि टोडो का हाथ कभी था ही नहीं, जो कि माइतो की कर्स टेक्निक है, या और माइतो की कर्स टेक्निक किसी भी पर्सन के सोल को मैनिपुलेट कर सकती है, और यही एग्जैक्टली उसने टोडो के साथ भी किया है, जहाँ पे अब टोडो की सोल मैनिपुलेट हो चुकी है कि उसका हाथ कभी था ही नहीं, इसीलिए अब रिवर्सल कर्स टेक्निक का टोडो के हाथ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, यानी कि टोडो अब अपनी कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता, जिसके लिए उसे ने दोनों हाथों की ही जरूरत होती थी। चाहे कितना ही बड़ा सोर्सर टोडो पर रिवर्सल कर्स टेक्निक का यूज करे, बट टोडो का हाथ अब वापस नहीं आने वाला। लेकिन अगर तुम्हें सुकुना वर्सेस तोजी की फाइट देखनी है तो ये वीडियो देख लो।